मस्त रहा करो रविशंकर शुक्ला को देखे हो मिर्जापुर में, कहता काका गागा सुनाओ। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए तो कलाम कभी तो नहीं पढ़ाए थे। मस्त रहो यार, उसमें कौन सा पैसे, गुटखा क्यों खाते हो, मिट्टी खा लिया करो जमीन से उठाकर, तुम्हारी वो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, 50 किलोमीटर पैदल चलो, कम से कम शरीर की ताकत तो बढ़, कुछ तो बढ़ेगा दुनिया में। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। जय हिंद फ्रेंड्स। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, हमेशा। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए तो कलाम कभी तो नहीं पढ़ाए थे। इस देश के 90% लोग, 90 दूसरों को दोष देते हैं। पिछले 30 साल से भारत की जो दशा है उसके जिम्मेदार राजनेता नहीं है, इस देश के लोग हैं। आसमान से टपक रहे राजनेता, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, चुनने का हक तुम्हारे पास है, अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले, धर्म पूछते हो, क्षेत्र पूछते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा कौन सा शैतान बैठ जाता है कि तुम राजनीति में ये सब पूछते हो, और तुम बहुत जातिवादी हो तो अपने ही जाति के डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे को दोष मत देना। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय, भगवान भी नहीं लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना, कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम भगवान है, 14 साल जंगल में है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है, शक्ति का सिद्धांत ही यही है। तुम कभी क्रिया योग करने जाओ, पढ़ो कभी क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग का पूरा फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। आप कभी क्रिया योग के बारे में पढ़ो, क्रिया योग, लहड़ी महाशय परमहंस योगानंद, वो कहते हैं जो दर्द होता उठता है आपके शरीर में, वो बेसिकली आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है, और अगर आप उस परिवर्तन पे ध्यान दे जाएं तो वो परिवर्तन आपकी शक्ति बन जाएगा। आज पढ़िएगा क्रिया योग के बारे में, बड़ी फेमस किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये न्यूटन का चौथा सिद्धांत है, शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी टी शर्ट नहीं आती कि ऐसे लगा लो तो बल्ला दिखाई पड़ने लगे, वो डिप्स लगाना पड़ेगा। वो अगर चाहते हो कि बाहर निकले और लोग देखें हमारी बॉडी को, तो कोई टी शर्ट नहीं आती कि सिक्स पैक वाली टी शर्ट आ गई कि बाहर निकले तो सिक्स पैक दिखाई पड़ रहा है और बॉडी दिखाई पड़ रही है और लड़कियां गिर गई सड़क पर, ऐसा नहीं होगा चाचा। दुनिया में एक ही आदमी है जिसने बिना मरे जन्नत देखने की कोशिश की है, त्रिशंकु। सिद्धांत ना तोड़ पाओगे, बाहर निकलो यार, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, 50 किलोमीटर पैदल चलो, कम से कम शरीर की ताकत तो कुछ तो बढ़ेगा दुनिया में। गोंडा से फैजाबाद चले जाओ पैदल, गोंडा से बलरामपुर चले जाओ,
पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ तो पैदल चले जाओ फैजाबाद गोंडा से, करेगा। तुम टीचर से स्कूल में क्यों डरते हो? क्योंकि वो तुम्हें सजा देता है। तुम्हारा मन तुमसे डरता नहीं, वो जानता है मैं इसको हजारों बार बेवकूफ बनाऊंगा तब भी ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। यही तुम्हारे हारने की मुख्य वजह है। स्कूल जाते हो, जाते थे पहले तो होमवर्क करके जाते थे ना, क्योंकि पता था कि मैडम वो पटक के बहुत मारेगी। कैसे रोते थे टीचर के सामने कि मैडम जी रात में लाइट नहीं थी और लाइट कट गई, फिर हम होमवर्क नहीं कर पाए मैडम जी, तब पर भी मारती थी पटक के। हम तो कई बार पीटे गए, डरते थे ना। तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं भाई। तुमको एक बार कोई बेवकूफ बनाएगा तुम छोड़ दोगे, दो बार बनाएगा छोड़ दोगे, तो फिर वो लगातार बनाने लगेगा तुमको। वही तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कर रहा है, तुमको लगातार बेवकूफ बना रहा है। आज अम्मा बीमार ही, काल भैंस भाग गए रही, परसों पानी गिरत है, पकौड़ी खाए मन करत है, बुआ खिया जाए गए, तब क्यों रो रहे हो? मरो ए जोगी मरो, गोरखनाथ का बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये। मरो ए जोगी मरो, मरोगे तो मजा आएगा। मस्त रहा करो। रति शंकर शुक्ला को देखे हो मिर्जापुर में, कहता काखा गागा सुनाओ। उसको पता है कि आज की जनरेशन को काखा गागा नहीं पता है, जा रहे आईएएस की तैयारी करने। और जिसको पता है वो गुड्डू पंडित है। जिसको पता है वो गुड्डू पंडित है। क्या क्या संदेश है उस सीरीज में कि भाई तुमको काखा काखा नहीं पता और तुम सपना देख रहे हो? क्या क्या संदेश है उस सीरीज का? कहता चलो काखा काखा सुनाओ। कहता ए बी सी डी, कहता ए प्रिंस चार्ल्स, कहता देखे अगर काखा काखा पढ़ लिए होते बचपन में तो आज बच जाते। जिसको काखा गाघा आता है बस वही गुड्डू पंडित है। मिर्जापुर में अखंडानंद को देखे शराब पीते हुए? नहीं, राजा है, पीता भी रहा होगा तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता रहा होगा। बीच बीच में गाना वाना गा लिया करो। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। हिंदू न्यूज़पेपर मत बन जाना ब्लैक एंड व्हाइट। अंबानी मरेगा या मैं मरूं, सब खाली हाथ ही जाएंगे। सिकंदर की तीन ख्वाहिशें थी जब वो मरा था। पहली ख्वाहिश कि मेरे धन को मेरे जहां से मेरा जनाजा गुजरे वहां बिछा देना कि मैं ले नहीं जा पाया। मेरे हाथ दोनों खुले बाहर लटका देना कि मेरे हाथ खाली हैं। मस्त रहो यार, उसमें कौन सा पैसा? गुटखा क्यों खाते हो? मिट्टी खा लिया करो जमीन से उठाकर, तुम्हारी वो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। एठो पॉकेट ले, पहले पॉलिथीन ले लो, उसमें मिट्टी बढ़िया साफ मिट्टी ले लो और रखे रहा करो जब मुर्गा खाने का। मिट्टी खा लिया करो, बचपन में तो खाते थे ना, कितनी बार मारे गए हो।